Welcome friends, the question is ABCD is a rhombus and angle BCD equals 80 degree, then the value of x and y respectively are. मतलब ये है, हिंदी में समझ लेते हैं क्वेश्चन को, कि ABCD एक rhombus है, angle BCD 80 degree दिया गया है, और हम लोगों को x और y का value पता करना है. Figure आपके सामने है, आप देख सकते हैं. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले एक रफ फिगर हम लोग ड्रॉ करेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो फ्रेंड्स, फिगर हमने ड्रॉ कर लिया है. अब जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि एंगल बी सी डी 80 डिग्री है, तो एंगल बी सी ए कितना होगा? 40 डिग्री का हो जाएगा. क्यों? क्योंकि डायगोनल जो होता है रोम्बस का, वो बाइसेक्ट करता है एंगल्स को. मतलब ए सी जो है सो बाइसेक्ट करेगा पूरा एंगल जो है, एंगल बी सी डी इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर देगा, यानी बराबर हिस्सों में बांट देगा. तो ये एंगल और ये एंगल हो जाएगा 40-40 का, क्योंकि पूरा एंगल है 80 डिग्री का. तो एंगल बी सी ए हो गया 40 डिग्री. अब आते हैं इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल सी पी एम में. ठीक है, तो इस ट्रायंगल में आप देखेंगे कि इस ट्रायंगल के लिए ये जो एंगल है सी पी डी है ना, तो ये एक्सटीरियर एंगल है. तो एंगल सी पी डी इक्वल्स हो जाएगा एंगल एम सी पी प्लस एंगल सी एम पी, यानी ये एंगल और ये एंगल का जोड़ इसके बराबर होगा. क्यों? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स ट्रायंगल में. ठीक है, तो हो गया एंगल सी पी डी इक्वल्स एंगल एम सी पी और प्लस एंगल सी एम पी. ठीक है, तो एंगल सी पी डी का वैल्यू है 110 डिग्री और एंगल एम सी पी अभी हमने फाइंड किया है ये 40 डिग्री, तो ये हो गया 40 डिग्री प्लस एक्स. तो 110 डिग्री इक्वल्स 40 डिग्री प्लस एक्स, तो एक्स इक्वल हो जाएगा 110 डिग्री माइनस 40 डिग्री इक्वल्स 70 डिग्री. तो x का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है. अब हम लोगों को y का वैल्यू फाइंड करना है. तो आप देख सकते हैं कि एंगल बी सी डी 80 डिग्री दिया गया है और एंगल ए डी सी हम लोगों को पता नहीं है. तो एंगल बी सी डी यानी ये पूरा एंगल और एंगल ए डी सी ये पूरा एंगल, ठीक है, दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री. क्यों? क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स जो होता है रोम्बस का, किसी भी पैरेललोग्राम का, उसका मेज़र हो जाता है दोनों का सम का 180 डिग्री, यानी ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है. एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है पैरेललोग्राम का? सप्लीमेंट्री. तो इसीलिए इन दोनों का सम हो गया 180 डिग्री. ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे एंगल बी सी डी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल्स 180 डिग्री. बी सी डी का वैल्यू पता है, तो 80 डिग्री प्लस एंगल ए डी सी इक्वल्स 180 डिग्री. एंगल ए डी सी इक्वल्स 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, एंगल ए डी सी इक्वल्स हो जाएगा 100 डिग्री. ठीक है, तो ये पूरे एंगल का मेज़र हो गया 100 डिग्री. अब हमने पहले ही, जैसा कि हमने इसमें जाना था कि डायगोनल जो है बाइसेक्ट करता है एंगल्स को, तो इसका मतलब है कि ये एंगल, ठीक है, और ये एंगल दोनों इक्वल होगा, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट कर देता है एंगल्स को पैरेललोग्राम में. ये रोम्बस है तो रोम्बस भी पैरेललोग्राम ही है, तो ये डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है इस पूरे एंगल को. ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, इसीलिए एंगल ए डी बी इक्वल्स 100 बाई 2 इक्वल्स 50 डिग्री हो जाएगा. यानी x का वैल्यू हो गया 70 डिग्री और y का वैल्यू हो गया 50 डिग्री. तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा.